वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत वेलकम करते हैं हमारे चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं और मैं आई हूँ कहीं पे। एक्चुअली मेरा ना सारा का सारा ब्लॉग बहुत देरी से जा रहा है। बहुत सारा ब्लॉग शूट कर ली हूँ, उसको मतलब छोड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसके लिए सॉरी। और ये मिस्टर पुरोहित जा रहे ऑफिस और मुझे छोड़ने आए हैं JDR में होटल में, क्योंकि आज हमारा है किटी पार्टी। तो चलिए चलते हैं किटी पार्टी में। जितना हो पाएगा मैं दिखाऊंगी, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ जितना हो पाएगा मैं शूट करके दिखाऊंगी, ठीक वैसे ही है ना? कुछ तो बोलो। लड़कियों का किटी पार्टी, लड़के लोग का पार्टी होता है, उनका पार्टी पार्टी होता है, हम लोगों का खाली किटी पार्टी होता है। चलिए चलते हैं। तो फिर चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अंदर। आज वेस्टर्न लुक रखा गया है थीम, तो कोई भी फ्रॉक गाउन या फिर जीन्स पहन के आ सकता है। और ये मैं आके जैसे बताइए आपको JDR में पहुंच गई और मेरे फ्रेंड्स लोग देखिए क्या कर रहे हैं, सब कोई आपको हाय बोल रहे हैं और फोटोशूट चल रहा है वहाँ पे, तो हम क्यों पीछे रहते हैं। और ये देखिए अंबिका, सॉरी दीपा और ये मोना आ गए दोनों, सिप्रा ठीक है, तो ये दोनों आ गए और ये हम सब यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कर रहे थे। तो आप लोग भी देख लीजिए फ़ोटोशूट हम लोगों का। तो ये है सारे फ्रेंड्स और ये है हमारा पल्टन। कुछ फ्रेंड्स नहीं आए, उनको बहुत मिस किए। अच्छा नहीं लगता ना कुछ फ्रेंड्स नहीं आते, तो आते तो सबको ही बहुत अच्छा लगता। और ये वाला देखिए कितना सुंदर लग रहा था वाटरफॉल लाइट, जब हम लोग पहुँचे ना लाइट जैसे जल गया तो उसके बाद ये लोग स्टार्ट किए, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी थोड़ा सा शूट कर ली आपको दिखाऊँगी बोल के देखिए। और यहाँ पे हमेशा ही कुछ ना कुछ शादी फंक्शन लगा रहता है, लेकिन आज नहीं था तो खाली खाली था, अच्छा लगा। और ये सारे फ्रेंड्स हम लोग फ़ोटो उठा रहे थे, मैं सबके साथ उठाई, मस्त लगता है ना सबके साथ फ़ोटो उठाना। देखिए सबका ड्रेस कितना सुंदर दिख रहा है। और ये थोड़ा अंधेरा होने लगा था तो हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे, क्योंकि इजी आज चली जाएगी, इजी जा रही है, उसका मैरिज एनिवर्सरी है कल, तो इसीलिए वो जा रही है कहाँ पे बोलिए बोलिए, वो जा रही है कामाख्या अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ, वहाँ पे माता रानी का दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे वो लोग सेलिब्रेट करेंगे और यहाँ पे केक कटिंग हो रहा है सुलेखा भाभी के बर्थडे के लिए, चलिए देखते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर्स, उसके बाद हम लोग ये अंदर आ गए क्योंकि बाहर नहीं बैठे, इजी चली गई थी तब तक, उसको उसी रात ही जाने वाली थी, उनका ट्रेन था। तो ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा शूट कर रही हूँ अंदर का। ये सब चीज़ें देख के आपको तो पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुकी हूँ और यहाँ पे कुछ नए चीज़ें ऐड हुए हैं, वही सब मैं शूट कर रही थी। जैसे वो बुद्ध जी का मतलब उनका जो पॉट था प्लांट वाला, वो वाला। तो अभी जा रहे हैं हम लोग ऊपर, ऊपर ये हॉल में हम लोगों का पार्टी है, तो चलिए चलते हैं ऊपर। मैं भी जा रही हूँ, आप लोग भी चलिए। ऊपर से एक व्यू दिखाती हूँ बाहर का, देखिए इतना बड़ा हॉल है अंदर, उसके अंदर और एक हॉल है, ऊपर भी और एक हॉल है, बाहर भी आप एंजॉय कर सकते हो। होटल बहुत अच्छा है JDR है ना। और ये हॉल में जो पेंटिंग लगा है तो बहुत सुपर है, बहुत अच्छा अच्छा पेंटिंग है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि मैं पेंटिंग मुझे करना और देखना दोनों ही पसंद है इसीलिए। और ये स्मिता मैं आके बैठ गए, सब कोई पहले से आ गए थे, हम थोड़ा बाहर शूट कर रहे थे। और चलिए ये वाला चॉकलेट दिया जा रहा है सबको, क्योंकि लास्ट एक दिन पहले चॉकलेट डे था इसीलिए चॉकलेट लाया गया है, तो उसको हम लोग अच्छे से सजा रहे थे। और ये है सुलेखा भाभी का गिफ्ट, तो मैं बोली उनको कि आप थोड़ा गिफ्ट ओपन कर लो, देखेंगे गिफ्ट में क्या है, क्योंकि उनका इस महीने बर्थडे था और भाभी तो नहीं है उनका, ममता भाभी उनका भी बर्थडे था तो उनको मिस किए। और ये वाला देखिए वो ये वाला जो पेंटिंग है, सॉरी मैं बता दी आपको, ये जी यहाँ पे एक पेंटिंग है, किसका पेंटिंग है कैसा वाला है चलिए दिखाते हैं और ओपन करते हैं। ये देखिए राधा कृष्ण जी का और दोनों साइड में दो मोर पंख, ये वॉल हैंगिंग है, बहुत ही प्यारा है ना। और ये है चॉकलेट,
और ये आ गया हम लोगों का स्नैक्स जो कि हम लोग खाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इवनिंग टाइम में करते हैं तो ऐसे ही चटर पटर थोड़ा खा लेते हैं। जब रात में होता है या फिर दिन में रहता है तो वो लंच या डिनर वो करते हैं प्रॉपर, या फिर बाकी टाइम के। और यहाँ पे और एक चीज़, हमें एक मग मिला है जो हमारे फ्रेंड्स लोगों के मतलब किटी मेम्बर्स का सारा पिक है, वो मेकअप आपको आगे चल के दिखाऊँगी। ठीक है, तो ये देखिए सब कोई का फोटोशूट चल रहा है, मस्ती चल रहा है, खाना पीना सब हो चुका है, सब कोई अपने अपने धुन में मस्त हैं और सब कोई मिल के भी बहुत मस्ती की, बहुत अच्छा लगा। डिसेंट वाला किटी पार्टी था इस बार, है ना। और ये देखिए कॉफ़ी मग, तो मैं आपको इसको भी निकाल के दिखाती हूँ, पहले आप लोग देख लीजिए। सब कोई आपको बाय बोल रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहीं से ही बाय, आगे चल के मैं मग दिखाऊँगी और आगे का कुछ चीज़ दिखाऊँगी। चलिए बाहर चलते हैं। देखिए बाहर थोड़ा थोड़ा भीड़ होने लगा था, दो तीन मतलब फैमिली आके वहाँ पे खाना वाना खा रहे थे। और ये होटल का बाहर का नज़ारा, और यहाँ पे क्या चल रहा है देखिए, स्मिता और अंबिका दोनों जा रहे हैं स्कूटी में, तो देखिए दोनों का मस्ती। मैं बोली मास्क लगाओ, तो दो एक लगाई थी और एक मास्क नहीं लगाई थी, फिर मैं बोली मास्क खोलो फ़ोटो उठाएंगे, फिर मास्क खोले, फिर बोली कि मास्क लगाओ चलो पहन के जाओ रास्ते में, फिर चेकिंग होता होगा, तो दोनों ने फिर मास्क लगाया और फिर वो लोग गए। और अंबिका जा रही है स्मिता के घर, क्योंकि भैया उसे वहाँ पे ही लेने के लिए आएंगे, उनका कुछ काम था इसलिए। चलिए फिर बोलते हैं बाय, मिलते हैं घर चल के, घर में चल के आपको दिखाऊंगी मग। तो फ्रेंड्स ये है वो मग, देखिए मैं ये घर आके आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए हेलो किटी फ्रेंड्स फॉर एवर, मेरे सारे फ्रेंड्स लोगों का पिक्स है ना। देखिए बहुत ही प्यारा मग बनाया गया है, ये देखिए, और एक बार क्लोज से देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ किटी से, जल्दी आ गए मतलब उतना देरी नहीं हुआ, हम लोग पहुँच गए घर। और आज आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना था मुझे, आज आपसे मैं शेयर करूँगी मेरी फुटवेयर हाउल, जो कि कुछ फुटवेयर है जो कि मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, खाली मेरे लिए बल्कि नहीं, मिस्टर पुरोहित के लिए और बाबू के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन का ये जो चप्पल जूते का एक मेरा जो कलेक्शन बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो शॉपिंग, है ना। तो देखिए वैलेंटाइंस डे में शॉपिंग करना जरूरी है, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, वो चाहे वैलेंटाइंस डे हो या बर्थडे हो या कोई भी गिफ्ट देने की तरीका हो, आप वैसा चीजें दीजिए जिसकी जरूरत हो, जो यूज में आए, है ना। वो सजाने की वो सब चीजें तो ओके बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अगर कोई अपने को दे रहे हैं तो ऐसे चीजें देना चाहिए जो कि यूज में आए। तो ये गिफ्ट तो नहीं कहूंगी, लेकिन हमारी कुछ जरूरतें हैं जो कि चप्पल है, स्लीपर्स है, मैंने मंगाया है अमेजोन से। तो स्टार्ट करते हैं अमेजोन का ये वाला मेरा फुटवेयर का हाउल। देखिए तो फर्स्ट देखिए ये स्लीपर, ठीक है, ये मिस्टर पुरोहित और बाबू दोनों को होगा, बाबू के लिए ना, ये वाला बाबू के लिए है, यूएस किसका है, ये यूएस पोलो का, हाँ हो गया। देखिए स्लीपर व्हाइट कलर में है, बहुत अच्छा लग रहा है, डेली यूज के लिए है, क्योंकि अभी गर्मियों का दिन है और बाबू को इसी टाइप का स्लीपर ही उसे बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो ये है फर्स्ट स्लीपर जो कि मैंने मंगाया है अमेजोन से, आप इसका मैं लिंक दे दूंगी, फोटो दे दूंगी, आप चेक करके देख लेना। और एक है ये वाला मोची का, मोची, जी हाँ मोची का स्लीपर, जो कि बहुत ही अच्छा है, और ये मिस्टर पुरोहित के लिए है, उनका है, क्योंकि वो स्लीपर पहन के भी बाहर भाग जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता स्लीपर हो या सैंडल, खाली गाड़ी चलाने के टाइम पे उनको जूते की जरूरत है, चप्पल में भी चला लेते हैं, पर जूते ज्यादा कंफर्टेबल उसमें रहते हैं। और ये भी बहुत अच्छा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो आप जाके इसको चेक कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छा लगेगा तो जरूर मंगाइए। और ये है थर्ड स्लीपर, ये भी मिस्टर पुरोहित का है, ये व्हाइट कलर में, उनको ना व्हाइट, ये ऑफ व्हाइट में है और बहुत ही अच्छा लगा, उनको भी व्हाइट कलर बहुत पसंद है, तो घर में पहनने के लिए ये वो मंगाए हैं घर के अंदर,
बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा। देखिए उसका जो ये वाला भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है और उनके साइज का भी है पूरा। इसका भी मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कीजिएगा अच्छा लगेगा तो। और एक चप्पल मैं मंगाई हूँ अपने लिए, वो है ये सिंपल सोबर, और यहाँ पे ना ये एम्ब्रॉयडरी किया गया है। तो ये चप्पल भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे, देखिए तो मुझे अच्छा लगा तो मैं मंगा ली, है ना। किसी भी साड़ी में आप इसे वेयर कर सकते हो, ड्रेस में वेयर कर सकते हो, क्योंकि ये मल्टी कलर फ्लावर दिया है तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाके चेक कीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने और एक चप्पल, मतलब सैंडल टाइप का है ये, तो वो उसका पिक मैं यहाँ पे दे दूंगी, देखिएगा। ये नहीं पहुंचा अभी तक, पर थोड़ा सा लेट डिस्पैच होगा, तो इसीलिए मैं सोची कि आपको अभी से ही दिखा दूं, मतलब जो मेरा फुटवेयर हाउल है उसी के साथ। देखिए उसका पिक लगा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है, मल्टी कलर में है, उसका स्ट्रिप सब मल्टी कलर में है, जो कि आप कोई भी ड्रेस के साथ पहन सकते हो। ये वाला भी आप ड्रेस, साड़ी या किसी के साथ भी पहन सकते हो, और बहुत अच्छा है। उसका रिव्यू देख के मैंने उसको मंगाया है, जब आ जाएगा फिर मैं उसको नेक्स्ट में आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो बस ये 5 तो मंगाए थे हम फुटवेयर, आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में जाइए और चेक कीजिए। बहुत जन मुझे बोल रहा है कि तुम जो पहन रही हो वो कहाँ का है, साड़ी हो गया या फुटवेयर हो गया या कोई भी चीज। मैं बोल रही हूँ कि अमेजोन से जो मंगाई हूँ मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर से बोल रही हूँ, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में बहुत दिन से हैं तो आप मेरे फ्रेंड हो, अगर आप नए हो तो आपको वेलकम है, और जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं उन लोगों को पता है, लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं उनको नहीं पता कि मेरे ब्लॉग में क्या आता है। तो प्लीज जाके पुराने ब्लॉग्स को चेक कीजिए, ठीक है। और जो जो लोग नए नए हो ना, आप जब सब्सक्राइब करोगे तो साइट में एक बेल आइकन होगा, उसको टर्न करके दबा दीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जब भी मैं कोई भी ब्लॉग छोड़ूं या छोटा मोटा कोई भी शॉर्ट्स छोड़ूं, ठीक है। तो बस आज का ब्लॉग इतना, नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय।